नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप अपने घरों में स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, आज से हम अपने नए पाठ पाठ 7 कीकी की पसंद की शुरुआत करने जा रहे हैं। अब तक हम पाठ 6 तक पढ़ चुके हैं और उसका रिवीजन भी हो चुका है। आशा करती हूँ आपने सभी अभ्यास कार्य और वर्कशीट्स समय से पूरी की होगी। बच्चों, चलिए आज का ये नया पाठ शुरू करने से पहले कुछ बातें हो जाए। पाठ है किकी की पसंद। यह पाठ संबंधित है किकी नाम की एक लड़की से जिसे फूल बहुत पसंद है। बच्चों, आप जानते हैं फूल कहाँ लगते हैं? सोचिए, कहाँ देखे हैं आपने फूल? हाँ, बगीचे में, पेड़ पौधे। अच्छा, एक बात बताइए, आप बगीचे में क्यों घूमने जाते हैं? वहाँ ऐसी क्या बात है जो घर में नहीं है और आपको अच्छी लगती है? बच्चों, बगीचे में चारों तरफ हरियाली, पेड़ पौधे, यह आपको बहुत अच्छे लगते हैं। वहाँ का वातावरण आपको बहुत अच्छा लगता है। जी हाँ, यह पाठ इसी पेड़ पौधे, फूलों, इनसे संबंधित है। बच्चों, पेड़ पौधे न सिर्फ हमें अच्छे लगते हैं, बहुत सारी चीजें भी देते हैं। यही पेड़ पौधे हैं जो पक्षियों का घर है। आपने पढ़ा ना, गिलहरी अपना कोटर कहाँ बनाती है? पेड़ पर। चिड़िया अपना घोंसला कहाँ बनाती है? पेड़ पर। बंदर अपना घर कहाँ समझते हैं? पेड़ पर। जी हाँ बच्चों, ये पेड़ पौधे बहुत लाभकारी हैं, हमारे लिए बहुत फायदेमंद हैं। बच्चों, इसी पाठ में हम फूलों के बारे में भी पढ़ने जाएंगे। पेड़ हमें बहुत सारी चीजें देते हैं, हवा, छाया, स्वच्छ वातावरण, ऑक्सीजन, और पेड़ों से हमें कई ऐसी चीजें मिलती है जो हमारे जीवन में लाभकारी है। लाभकारी मतलब फायदेमंद, यानी पेड़ हमें लकड़ी देते हैं, पेड़ों की लकड़ियों को हम अपने घर बनाने में इस्तेमाल करते हैं, फल देते हैं, फूल देते हैं, सब्जियां मिलती हैं, ये सभी हमारे जीवन चलाने के लिए बहुत आवश्यक है। पाठ 7 कीकी की पसंद। इस पाठ का मुख्य बिंदु है पौधों के विभिन्न हिस्सों के बारे में बातचीत करना। यह जानेंगे हम कि पौधे में कौन कौन से विभिन्न भाग होते हैं। इसके अतिरिक्त गिलहरी का घर हो या चिड़िया का घोंसला, ये पेड़ पौधे कई पशु पक्षियों का घर होते हैं। इन पेड़ पौधों से हमें फल और फूल भी मिलते हैं। बच्चों, आपके घर के आसपास या स्कूल के आसपास कौन कौन से फल, फूल के पेड़ या पौधे हैं? पाठ में हम सभी ये सभी अभ्यास कार्य भी करेंगे। पाठ की कहानी भी पढ़ेंगे, कीकी की कहानी भी बच्चों हम पढ़ेंगे। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले शुरू करते हैं यह पाठ, पाठ 7 कीकी की पसंद। आइए दोस्तों, पढ़ते हैं यह कहानी जिसका नाम है कीकी की पसंद। कीकी अपने बरामदे में फूल लगाना चाहती थी। मिट्टी, खाद और रेत मिलाकर माली ने गमले तैयार कर दिए। कीकी ने कहा, माली भैया, इनमें कोई अच्छे से फूल लगा दो। माली ने एक गमले में छोटे छोटे बीज डाले और दूसरे में एक डंडी लगा दी। एक में सूरजमुखी का फूल आएगा और दूसरे में गुलाब खिलेंगे, माली ने समझाया। किकी रोज सुबह दोनों गमलों में पानी डालती। वह हर रोज शाम को पौधों को प्यार से थपथपाकर कहती, जल्दी जल्दी उगो। कुछ दिनों बाद दोनों गमलों में फूल खिल गए। किकी बहुत खुश थी। वह हर रोज पौधों में पानी डालती और उनका ख्याल रखती। एक दिन उसे कुछ आवाजें गमलों की तरफ से सुनाई दी। उसने ध्यान दिया तो हैरान हो गई। सूरजमुखी और गुलाब के फूल आपस में बातें कर रहे थे। गुलाब ने कहा, मैं तो सुंदर हूँ और मेरी महक ही सबको मेरी तरफ खींच कर लाती है। सूरजमुखी बोला, मेरी लंबी लंबी डंडियों पर सूरज की तरह घूमते फूल को देखते ही सब मेरे पास आ जाते हैं। किकी ने मुस्कुराकर दोनों फूलों को पानी दिया और चली गई।
कुछ दिनों बाद फूल मुरझाने लगे। गुलाब झटक झटक कर अपनी पंखुड़ियां गिराने लगा। किकी ने सारी पंखुड़ियां एक बर्तन में बटोरते हुए कहा, गुलाब तुम्हारी पंखुड़ियां बहुत काम आती है, मैं इनका गुलकंद बनाकर खाऊंगी तो सेहत अच्छी रहेगी। दो चार दिन में सूरजमुखी फूल की सिर्फ डंडियां खड़ी थी। हवा से उसके काले काले बीज गिरने लगे। किकी ने सारे बीज इकट्ठे किए और कहा, यह बीज भी स्वाद और सेहत के लिए बहुत अच्छे हैं। अगले दिन किकी माली से बोली, माली भैया अगली बार भी मेरे लिए गुलाब और सूरजमुखी के फूल ही लगाना। गुलाब और सूरजमुखी दोनों ये बातें सुनकर बहुत खुश हुए। तो बच्चों यह था हमारा पाठ 7, किकी की पसंद। तो आपने जाना, देखा आपने कैसे किकी को सूरजमुखी का फूल भी बहुत पसंद आता है और गुलाब का फूल भी बहुत पसंद आता है। दोनों ही उसके लिए अच्छे हैं, पसंदीदा हैं। वो दोनों ही फूलों को समान पसंद करती है। बच्चों अब आज की इस कहानी का आप अभ्यास कीजिएगा, पढ़िएगा, पढ़ने का रीडिंग का अभ्यास कीजिएगा। हम अपने अगले सेशन में फिर से मिलेंगे और पाठ से संबंधित कुछ और बातें जानेंगे, पेड़ पौधों की इम्पोर्टेंस के बारे में भी हम जानेंगे और इसी के साथ पाठ से संबंधित व्याकरण भी करेंगे। चलिए बच्चों तब तक आप अपने घर पर रहिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।